नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार का पहला राजनीतिक परिवार कहा जाता है। लालू ने यह मुकाम बड़ी ही मेहनत से हासिल किया है। ऐसा भी माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव अपने हर फैसले से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी की सलाह जरूर लेते हैं। बिना राबड़ी देवी की सलाह के लालू प्रसाद यादव कोई काम नहीं करते। आज इस लाइव सिटीज आपको बता रहा है राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के बारे में। 1959 में गोपालगंज में जन्मी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की शादी 1973 में हुई थी। लालू की शादी के समय राबड़ी देवी की उम्र महज 14 साल की थी और उसके 3 साल बाद उनका गौना हुआ था। राबड़ी देवी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी के 3 साल बाद जब उनका गौना हो रहा था उस समय देश में आपातकाल लागू था और लालू प्रसाद यादव पटना में छात्र नेता हुआ करते थे। इमरजेंसी के खिलाफ छात्र आंदोलन के दौरान 1974 से 1977 के बीच लालू कई बार गिरफ्तार भी हुए और जेल तक जाना पड़ा। लेकिन लालू प्रसाद यादव कहीं भी हो राबड़ी देवी का करवा चौथ का व्रत खुलवाने के लिए तय सीमा पर अपने घर जरूर पहुंच जाते हैं। इसी तरह छठ पूजा पर उनका उत्साह देखते ही बनता है। लालू प्रसाद यादव हर खुशी के मौके पर राबड़ी देवी को गुलाब का फूल देते हैं, चाहे वह उनका जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह। 25 जुलाई 1997 में राबड़ी देवी पहली बार बिहार की महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2000 में आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उसी वर्ष बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में पहली बार जेल जाना पड़ा था। लेकिन जेल जाने से पहले लालू पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की कमान सौंप गए थे। राबड़ी देवी खुद को संभालती, बच्चे और सत्ता और अपनी पार्टी को एकजुट रखने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर लालू प्रसाद सौंप गए थे।